मेरा COE रिजेक्ट हो गया, मैं जापान के वीजा के लिए अप्लाई कैसे कर सकता हूँ? सर मैंने N5 क्लियर किया हुआ था फिर भी मेरा COE रिजेक्ट हो गया। सर मैंने N4 किया हुआ था फिर भी मेरा COE रिजेक्ट हो गया। मैंने N3 किया हुआ है फिर भी मेरा COE रिजेक्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास डेली आती हैं और हम उनको काफ़ी कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो कि आपको COE क्यों रिजेक्ट हो जाता है, COE का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, और फिर आप जापान वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं जो रीजन है COE के रिजेक्ट हो जाने का। देखिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ COE होता क्या है। COE एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसको बोलते हैं, जो कि आपको एलिजिबल कराता है वीजा एप्लीकेशन के लिए, अगर आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वर्क वीजा के लिए भी COE ही बोलते हैं उसको, जो कंपनीज प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद आपका, जैसे इंटरव्यू, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दी, उसको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बोलते हैं और आप इससे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन वर्क वीजा का डिफरेंट केस होता है, उसमें COE रिजेक्ट होना या ना होना वो पहले से ही पता होता है, क्योंकि वो सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है, कंपनी का ही गारंटी लेटर और कंपनी के ही बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ लगते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो है स्टडी वीजा की। स्टडी वीजा में COE रिजेक्ट होने के बहुत बहुत सारे कारण होते हैं। एंड तक मेरी बात को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। रीजन नंबर वन, सबसे पहला रीजन होता है, जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जापान में अप्लाई करना बहुत आसान होता है, हम तो पैसे दे रहे हैं और पैसे देके जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, वैसे ही हम जापान में भी तो एडमिशन ले सकते हैं। जी नहीं, जापान में पैसा तो बहुत एक ऑब्वियस सी चीज़ मानी ही जाती है। आपके क्रेडेंशियल्स, आपके क्वालिफिकेशन और आपका फ्यूचर विजन और आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी वीज़ा को अप्लाई करते समय काम आती हैं, स्टडी वीज़ा को अप्लाई करते समय ज़रूरी होती हैं। COE आने का मतलब क्या होता है? COE आने का मतलब होता है कि पूरी वेरिफिकेशन जापान की एम्बेसी की तरफ से हो चुकी है और जापान के स्कूल की तरफ से भी हो सकती है, जिस भी आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों बॉडीज जो हैं वो आपको अप्रूव करती हैं कि आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, COE वीजा नहीं होता। COE का मतलब होता है कि जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो, या चलिए मैं आपको गवर्नमेंट की बात करके बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर होता है COE, लेकिन प्रेसिडेंट होता है वीजा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको COE के लिए मतलब वीजा के लिए अप्लाई करना है तो COE आ गया, तो इसका मतलब ये समझिए कि 90% काम खत्म हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि COE होता क्या है। COE एक अप्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट होता है कि आप अब जापान वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्वियसली हार्ड कॉपी यानी कि ओरिजिनल कॉपी COE की चाहिए होती है, और जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते समय सबमिट किए थे उन सब की फोटोकॉपी आपको वीजा के लिए चाहिए होती है। तो COE रिजेक्ट होने का सबसे पहला कारण इन्हीं सब चीजों में आता है जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके गारंटी डॉक्यूमेंट्स, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें कोई भी चीज, सबसे पहली बात फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, उस चीज को फोटोशॉप किया हुआ या उसको एडिट किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके जब ओरिजिनल्स दिखाने की बारी आती है तो कुछ स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होता, क्योंकि वो फोटोशॉप करके देते हैं। पहला रीज़न, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने कुछ चीज़ों को हिलाया है तो आपके पकड़े जाने का, आपके इस चीज़ के बाहर आने का बहुत बहुत बड़ा चांस होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है पर्पज़ ऑफ स्टडी, रीज़न ऑफ स्टडी। इन सब एसेज को पहली बात तो ट्रांसलेट भी करना होता है, दूसरी बात कि आपके कंटेंट की ही अगर हम बात करें तो वो भी कभी कभी स्टूडेंट्स का मैच ही नहीं करता जो कि उन्होंने अभी तक करा है, और आगे जाके वो अप्लाई करते समय बताते हैं कि मेरा फ्यूचर विजन क्या है। इससे भी पहले का एक कारण मैं बताना भूल गया आपको, स्टूडेंट्स इसको सीरियसली लेते ही नहीं है। जैसे फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें भरी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भरी हैं, तो उसमें एक उनको कहा गया कि अपना फ्यूचर विजन बताइए, तो उन्होंने कैजुअली दो तीन चीज़ें बता दी, बस बात खत्म, कि मुझे भरना ही है। तो ये सब चीज़ें पहली बात स्टूडेंट्स अगर अपने आप अप्लाई करते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति से अप्लाई कराने की कोशिश करते हैं जिसको खुद ही नहीं पता है, वो कहता है कि ठीक है मैं एडमिशन आपका करवा दूंगा, और वो हैवी प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है जो कि रिफंड भी नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि ये सब मेन कारण होते हैं जो कि COE को पास होने से, COE को अप्रूव होने से रोक देते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मेन रीज़न ये आता है कि स्टूडेंट्स को जो चीज़
फॉलो करने को कही गई होती है, ये हमारे साथ भी होता है, वो बहुत लेट कर देते हैं उसके अंदर। जैसे ये जो डेडलाइन है ये एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन है, ये जो डेडलाइन है फॉर्म फिलिंग की डेडलाइन है, ये डेडलाइन जो है वो पर्पज ऑफ स्टडी, रीजन ऑफ स्टडी, आईडी नंबर जनरेशन, इन सब की डेडलाइन है। तो वो स्टूडेंट्स सोचते हैं डेडलाइन का क्या मतलब होता है, हम पैसे देंगे, हम एडमिशन लेंगे और क्या हम अब डेडलाइन भी फॉलो करें। तो ये एटीट्यूड जो है ये भी बहुत बहुत बड़ा रीजन बनता है COE अप्लाई करने का। जैसे कि अगर हम COE के लिए जब भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हम एक महीना दो महीना पहले से ही स्टूडेंट को ये चीज़ें बताते हैं कि डेडलाइन आने वाली है, और वो ताकि हमें पता होता है कि वो भी अब एक हफ्ता दो हफ्ता और लेगा, तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से इंश्योर करते हैं। दूसरी बात की ट्रांसलेशंस वगैरह, तो ये बिल्कुल भी किसी के हाथ में मत दीजिए। जो अप्रूव्ड ट्रांसलेशंस होती है आप उनको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा एसे और इतनी स्पेसिफिक उसकी ट्रांसलेशन, जो कि जापान के कल्चर से भी मैच करती है और मेरे फ्यूचर विजन से भी मैच करती है। यानी कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बना हुआ है कि आपको जो एम्बेसी को चाहिए वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है और जो आप बोलना चाहते हैं वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, जो कि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। एक्सपीरियंस्ड जगह से ही आप इस बैलेंस को बनवा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या सच में COE लेना इतना मुश्किल होता है? जी हाँ, और इतनी सारी मुश्किल चीज़ें, पहली बात तो समझना मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कारण होता है ये फेल हो जाने का। तो सबसे बड़ा और एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि सर मेरा N4 पास है, मेरा N5 पास है, मैंने तो सुना था कि जिन लोगों ने JLPT करा है उनका तो COE आ ही जाता है, उनका तो 100, तो ये भी एक ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है, जो कि आपको अगर पुरानी आपने गलतियां ये सोच के करी कि मेरा तो N5 है COE आ जाएगा तो भी COE फेल हो सकता है। तो COE आने में JLPT तो नेसेसरी है ही है, N5 N4 होना ही चाहिए। साथ के साथ आपको इन चीज़ों को भी ख्याल रखना है जो कि मैंने आपको बताया, मैं एक बार आपको फिर से लिस्ट बता देता हूँ कि आपको आईडी नंबर जनरेशन, पर्पज ऑफ स्टडी, रीजन ऑफ स्टडी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी उतना ही फोकस करके रखना है जितना कि फोकस आपने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल JLPT को पास करते हुए किया था तभी आप उस चीज़ को पास कर पाए हैं। तो मैं आपको देखिए इन सब चीज़ों से डराना नहीं चाहता, ये कोई डरने की चीज़ नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ क्लियर की हुई है, अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन या कोई चीज़ क्लियर की हुई है, तो उन चीज़ों को बस तैयार करके ऑन टाइम सबमिट करने में क्या प्रॉब्लम है? इन्हीं चीज़ों को बस आप अपना COE फेल होने का रीज़न मान के चलिए तो फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। चलिए अब बात करते हैं जिन लोगों का JLPT भी क्लियर नहीं है, उन लोगों का इंटरव्यू होता है COE आने के बाद। पहली बात तो COE आने बड़ा मुश्किल होता है, अगर COE आ भी गया है तो भी एक इंटरव्यू होता है, जो कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो एम्बेसी से डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। कभी कभी उसमें से हिरागाना, काताकाना, कांजी ये सब पूछते हैं, कुछ वर्ड्स पूछते हैं जो कि जापान की बेसिक लिविंग के अंदर, स्टार्टिंग लिविंग के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। शॉपिंग के बारे में वर्ड्स होते हैं और स्कूल करिकुलम के बारे में वर्ड होते हैं, टाइम होता है, बेसिक खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये सब जो है N5 के अंदर ही आता है। तो कहने का ये मतलब है कि इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझसे मेरी स्पोकन एबिलिटीज़ वगैरह चेक होंगी, मेरे से काइवा करवाई जाएगी, मेरे से जापानीज़ में इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बेसिक अपने हिरागाना, काताकाना और कांजी, इन वर्ड्स को जो कि सिर्फ N5 के अंदर स्टार्टिंग में ही आप सीख लेते हैं, उन पर ही आपको फोकस करना होता है, तो वो इजीली क्लियर हो जाता है। इनफैक्ट हम अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपका वीज़ा के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो हम इंश्योर करते हैं कि वो उस चीज़ को सच में याद करके आए हैं। हम खुद उनका पहले टेस्ट लें तभी उनको अप्लाई करने के लिए भेजें। तो ये सब रीज़न की वजह से COE जो है वो या फिर वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और आपको आई थिंक एक साल, किसी किसी में एक साल या फिर किसी किसी केस में आई थिंक नेक्स्ट इनटेक जो कि 8 months या फिर उससे अबव की होती है उस तक आपको वेट करना पड़ सकता है, जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी डिले पैदा कर सकता है या फिर आपके प्लान्स को चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी यही रिकमेंडेशन थी कि आपने COE को अप्लाई करते समय और भी आप नेट पर सर्च कीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फटाफट से लिस्ट बता देता हूँ कि गैप के बारे में भी आप सर्च करिए, गैप की वजह से भी COE रिजेक्ट होता है, गैप को फिल करने के स्टाइल की वजह से भी COE रिजेक्ट हो सकता है, और गैप को किस तरह से आपने फिल किया उसमें कुछ एरर आ गया है डेट का, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर बाद में है, सेकेंड सेमेस्टर पहले है, ये सब भी होता है, स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पे, तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात कि जब आपने मान लीजिए अपनी पर्पज ऑफ स्टडी किसी से मान लीजिए बनवाया भी है, फिर ट्रांसलेशन भी करी, तो आपने उसको प्रूफ क्रॉस चेक ही नहीं करा है, ट्रांसलेशन गलत हो गई है या आपका जो कंटेंट है वो गलत है, उसमें लिखा है मैंने इंजीनियरिंग करी है, उसमें लिखा है मैंने MBA करी है, तो ये सब छोटे छोटे एरर्स हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, इनकी वजह से भी COE रिजेक्ट हो जाता है। और भी बड़े सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आपने फॉर्म फिलिंग करते समय आपको कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं जिस चीज़ के ऊपर ना मैं एग्री नहीं करता हूँ, वो चीज़ भी आपने एग्री
करने पर ओके कर दिया, ठीक है मैं एग्री कर लूंगा, और बाद में जाके आपने जैसे वीजा का इंटरव्यू हो रहा है तो वो चीज आप भूल गए और उसमें कुछ और बोल दिया, तो वो चीज उनके सामने है लेकिन आपको नहीं पता या फिर आपने ओवरलुक कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी और भी आप अपने आप बाकी चीजों को रेफर करके मतलब इन चीजों को रेफर करके अपने आप गेस कर सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आपके सीईओ को आने से रोक देती हैं। मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैंने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, सारी चीजों को एड्रेस किया है। अगर मेरी तरफ से कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।